औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हमीरपुर में आज सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता के अंतर्गत एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपमंडलाधिकारी हमीरपुर शशिपाल नेगी ने की। इस अवसर पर उपस्थित युवाओं को लोकतंत्र में उनकी जिम्मेवारी के प्रति उपयोगी जानकारी प्रदान की गई और उन्हें इसके निर्वाहन के लिए प्रेरित व जागरूक भी किया गया। युवाओं से विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोकसभा आम निर्वाचन के अंतर्गत आगामी 19 मई 2019 को होने वाले मतदाताओं में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया। स्वीप के अंतर्गत हस्ताक्षर व टैटू अभियान इन गतिविधियों के मुख्य आकर्षण रहे और दोनों माध्यमों से युवाओं को मतदान का महत्व समझाया गया। इस दौरान युवाओं ने अपने दोस्तों व अन्य परिचितों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया। शिविर के दौरान ईवीएम तथा वीवीपैट का प्रदर्शन कर इसके संचालन व क्रिया प्रणाली की जानकारी भी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त मतदान केंद्रों पर उपलब्ध करवाई जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के बारे में बताया गया। छात्र छात्राओं ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रदत्त सेवाओं की जानकारी भी प्राप्त की। इसी प्रकार का कार्यक्रम बाल विकास परियोजना अधिकारी हमीरपुर के कार्यालय में भी आयोजित किया गया। इसमें उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान उनसे आग्रह किया गया कि वे मतदान प्रक्रिया में उनके क्षेत्र के सभी मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करें। इस अवसर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी बलवीर, आईटीआई हमीरपुर के प्रधानाचार्य सहित आईटी संयोजक, सहायक स्टाफ व छात्र छात्राएं एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश भर में युवा मतदाता जागरण अभियान 1 से 17 मई तक आयोजित करेगी, जिसके तहत प्रदेश भर के शिक्षण संस्थानों में एबीपीपी युवा मतदाताओं को 10 लाख पर्चे और 2 लाख स्टिकर बांटकर वोट देने के लिए प्रेरित करेगी। एबीपीपी के इस अभियान की थीम नेशन फर्स्ट वोटिंग मस्ट के तहत जिला बिलासपुर में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला के सभी शिक्षण संस्थानों में 5 लाख पर्चा और 15,000 स्टिकर बांटेगी और इसके अंतर्गत लोगों से 100% मतदान की अपील की जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिलासपुर जिला के संयोजक अजय शर्मा ने कहा कि युवाओं और आमजन को 100% मतदान करने के लिए नुक्कड़ सभा, स्टिकर व पोस्टर व पर्चा वितरित कर जागरूक करेगी। इसके अंतर्गत जिला के सभी शिक्षण संस्थानों में जाकर युवा मतदाताओं से मतदान के लिए अपील की जाएगी। जिला में हजारों युवा पहली बार अपने मतदान का उपयोग करने जा रहे हैं और उत्साहित होकर लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी निभाने और साफ स्वच्छ छवि के उम्मीदवार को चुनने के लिए युवा तैयार हैं। उन्होंने कहा कि नेशन फर्स्ट वोटिंग मोस्ट की थीम और स्लोगन को लेकर भी अन्य युवाओं को भी मतदान के लिए जागरूक किया जाएगा। घुमारवीं नगर मंत्री बिरोचन ने बताया कि एबीबीपी अपने इस अभियान के अंतर्गत 1 तारीख को घुमारवीं शहर और बिलासपुर शहर में पर्चा वितरित करेगी। इसी तरह 2 मई को बरठी, 3 मई को जंडुता और 4 मई को जुखाला में पर्चा वितरित किया जाएगा।
इसके अलावा गांव-गांव में जाकर 100% मतदान के लिए अपील की जाएगी। 17 मई तक जिला के सभी क्षेत्रों में इस अभियान के अंतर्गत पर्चा वितरित किया जाएगा। इस पत्रकार वार्ता में बिलासपुर इकाई के अध्यक्ष राहुल ठाकुर, इकाई सचिव नवीन तथा जुखाला इकाई के अध्यक्ष दीक्षा उपस्थित रहे। बिलासपुर बजरंग दल ने प्रदेश संयोजक तुषार डोगरा की अगुवाई में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान प्रदेश संयोजक तुषार डोगरा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में बजरंग दल 1 मई से 18 मई तक मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन करेगा। बजरंग दल के स्वयंसेवक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत स्वच्छ छवि वाले व्यक्तित्व को विजयी बनाने के अलावा जनहित में काम करने वाले राजनेताओं को सत्तासीन करने के प्रति मतदाताओं से आह्वान करेंगे। बजरंग दल देश में एक ऐसी सशक्त सरकार का निर्माण करना चाहती है जो राष्ट्रहित में काम करने के अलावा राम मंदिर निर्माण, गोवंश की रक्षा के प्रति कार्य करने में विश्वस्त हो, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करने में सामर्थ्यवान होने के अलावा इन मुद्दों पर कृत संकल्प हो, जो अपने चुनावी मुद्दे पर सत्तासीन होने के उपरांत अड़िग रहे, मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के साथ साथ सक्षम सरकार के निर्माण के प्रति आह्वान करेंगे। इस दौरान बैठक में बजरंग दल के विचारक एवं स्वयंसेवक उपस्थित रहे।